बाबू से ज्यादा तो मामी रोएगी। इधर हो रहा है मेरे बच्चे का वजन। Hey guys, good morning, welcome back to new vlog। फिर से एक नई वीडियो में स्वागत करते हैं आप लोगों। आज बाबू का सेकंड टीका लगने वाला है। शायद मैं तो नहीं रहूंगा क्योंकि मैं फील्ड में जा रहा हूँ, तो गणेश ही लेके जाएगी। फिलहाल तो सेकंड टीका में बताते हैं कि थोड़ा सा फीवर आता है, तो सेकंड टीका में मुझे डर लग रहा है बाबू को, मतलब इंजेक्शन दिलाने के लिए, मतलब उसको तकलीफ होता है तो हमें भी तकलीफ होता है यार। So guys, हम लोग रेडी हो गए हैं वैक्सीनेशन के लिए। मेरा बेटू जाएगा अभी वैक्सीन लगाने के लिए, मैं जा रही हूँ, छोटी जा रही है और हमारा बेबो जा रहा है। देखते हैं इसका क्या हाल होने वाला है आज। आई होप कि सब कुछ अच्छा हो, मेरा बेटू ना रोए और इसका तबीयत खराब भी ना। तो चलो चलते हैं यहाँ के पास के स्वास्थ्य केंद्र में। मेरा बेटू तो वैसे भी थोड़ा सा क्या कर ही रहा है, वहाँ जाके देखते हैं और कैसे क्या करता है। क्या बेटू, इसको ना नींद आ रहेगा, सोना है इसको, सोएगा तो जब दर्द नहीं देगा। आज 1.5 महीना कम्प्लीट हो गया है, बड़ा हो रहा है ना, आवाज भी भारी होता जा रहा है। चलो बेटू सो जाओ। गाइस धूप बहुत ज्यादा है और हम लोग बाबू को पैदल लेके जा रहे हैं। मामी एक बार ढंग से बोल देती कि गाड़ी में चलो करके, तो मैं साथ चली जाती बिकॉज क्योंकि मैं बहरी हूँ। जो भी है अब क्या कर सकते हैं, इतने धूप में, भरी दोपहरी में मैं अपने बच्चे पैसे लेके जा रही हूँ। मेरा बच्चा सो रहा है, कोई नहीं कोई बात नहीं, थोड़ी दूर है यहाँ पे, पहुँच जाएंगे थोड़ी दूर में। मामी मेरे को बोली गाड़ी में चलते हैं घर के, लेकिन मेरा कान नहीं सुना गाइस, मैं बहरी हो रही हूँ ना इस टाइम। और ये है गाइस हमारा गाँव, कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ। तो ये है गाइस स्वास्थ्य केंद्र, हम पहुँच गए हैं। डांटना मत कोई भी। वाओ हमारा मोटा तो मजे से सो रहा है एकदम। चलो राशन कार्ड भी लाना है। हमारा मोटा तो सो रहा है, अभी उठ नहीं रहे, घर में तुरंत उठ जाता है, देखो महान को। अभी गहरी नींद में गया ना, गहरी नींद में जाता है तो ऐसे ही सोता है। ओए मुझे सोने दो बुआ, बाद में पिलाना। इसको बाबू का भी पोलियो पिला रहे हैं गाइस लोग। अब हमारा बाबू तो सो रहा है, पता चल गया। दोगुन जिंदगी की, दोगुन जिंदगी की मिल गई। ऐसे उठाओ, ऐसे उठाओ, कंधे पे उठाओ ना ऐसे। अब उठ भी गया, उठ गया, कड़वा लगा। कोई बात नहीं, कोई नहीं, शांत हो जाओ। ये क्या पीला पोलियो के अलावा क्या है ये? कितना प्यार से पी रहा है तो। हे क्यूटी, क्या नाम है आपका? ही तो मस्त हंस रही है, बाबू है, हंस रहा है, मतलब यहाँ बाबूज बाबू हैं, ज्यादा बाबूज बाबू हैं। बाबू से ज्यादा तो मामी रोएगी, बहुत डर लगता है। और इधर 3-3 सुई भरा जा रहा है अभी गाइस लोग, क्या होगा फिर तो, गोदी भी नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा, बस बुखार है। मामी मैं शिफ्ट कर रही हूँ बच्चे को, ज्यादा डर रही हूँ मामी तो। अरे मोटा अभी इतना रोएगा। हम लोग मेरे बेटे का सेकंड वैक्सीन, पहले का तो वीडियो नहीं बना था, ये सेकंड कब बनेगा वीडियो में देख सकती हूँ मैं आप। इसके नाम ये हो मेरा बच्चा, ओ जीसस हालेलुया, बच्चा ले मेरे पापा को। जरूरी नहीं होता तो मैं लगवाती नहीं, मैं सच में ना लगवाती गाइस। ओ बेटा
दो दो टूटूसी बेटू, एक और लगना है बेटा, एक और नहीं आ रहा आपको। सुना तीन टू लग गया बेटू आपको, तो शान मेरे सुनो जो शो जो जो इधर हो रहा है मेरे बच्चे का वजन। अच्छा मस्त सो रहा है ये तो। चार किलो छः छः सात आठ सौ ग्राम बेटू। ओए यहीं पे सो जाओगे क्या? आपके लिए अच्छा बिस्तर है, गिरोगे नहीं कहीं। चार किलो आठ सौ ग्राम, तीन किलो छः सौ ग्राम का तो पैदा हुआ था। एक एक किलो, एक किलो बढ़ गया है, चार किलो आठ सौ ग्राम का बच्चा है। सो गाइज हो गया हमारा वैक्सीनेशन, हम लोग जा रहे हैं मैं और बाबू। यहाँ पर मुझे आम देके बहुत लालच आ रहा है, लेकिन अफसोस मैं आम नहीं खा सकती बिकॉज मेरा छोटा सा बच्चा है और इस छोटे से बच्चे को अभी बहुत सारे इंजेक्शन लगा है, तीन तीन इंजेक्शन लगा है और विजय हमको लेने आया है। तो अगले महीने फिर इसी वैक्सीनेशन के साथ यहीं पे आना पड़ेगा हम लोग को। सो गाइज हम लोग घर पहुंच गए हैं और आई होप कि मेरे बच्चे को फीवर तो सबको होता है ऐसा सब बोलते हैं, लेकिन इसको ऐसा भी ना हो कि ये परेशान हो जाए। हम लोग का परेशान होना तो चल रहा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा परेशान हो ज्यादा। और अभी तो ये सो गया है, थोड़ा सा ही रोया, ज्यादा नहीं रोया। सब बातों में थैंक यू यशु पापा, क्योंकि मेरे बेटे को कंट्रोल करता है यशु पापा। और ये रहा मेरा सोनम, मस्त से सो रहा है। इतना दर्द हो रहा था ना, मैं तो देख के डर गई थी एकदम पूरा। इधर लगा तो ज्यादा ना, पैर में लगा तो। अब इसको बुखार चढ़ाएगा ना, बुखार हो गया ऐसा सब बोल रहे हैं, होता है। पर मैं यीशु नाम में ये घोषणा करती हूँ कि मेरे बेटे को प्रॉब्लम नहीं होगा, फीवर से लड़ लेगा। कितना वेट है पता है? चार किलो आठ सौ ग्राम है, मतलब पाँच किलो दो सौ कम बस। पाँच किलो गाइस समझो। और गाइस एक बच्चा और आया था वहाँ पे, वो ढाई महीने का था, वो भी सेम वजन था। और हमारे बाबू एक महीने का है, वो भी सेम वजन था, उसका भी चार किलो आठ सौ ग्राम था, लेकिन वो ढाई ढाई महीने का था, और ये डेढ़ महीने का है। कोई नहीं, एक 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 किलो बढ़ा है मेरा बच्चा, एक किलो बढ़ना चाहिए। ये तो एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त मोटा हट्टा कट्टा ताजा है गाइस, एकदम हाथ तुरंत टट जाता है जब इसको आप गोदी करोगे तो। सोचो मैं एक घंटे से, एक घंटा हो गया होगा ना, एक घंटे से गोदी कर रही हूँ, आदत हो गया है। मुझे आदत हो गया, अपना बच्चा ना मुझे बाहरी नहीं लगता। सच्ची बोल रही हूँ, आयरन कैल्शियम का टेबलेट खाया कर। बहरी के साथ कमजोर भी होते जा रही हूँ। क्यूटी पाई तो मस्त सो रहे आराम, सो जाओ। चलो इसको सुला देते हैं। और ये रहा पैरासिटामोल का सिरप दिए है पिलाने के लिए, तीनों टाइम पिलाना है। ए टिंगी क्या देख रही है, घूर घूर के फोटो देख रही हूँ, खा क्या रही है बता। आप तो नहीं खा सकते। मजा आ रहा है क्या? चीनी सब डाली तो थोड़ा ठीक ही चला गया। तुम्हारे ही मजे है, मैं नहीं खा सकती और अभी तो और नहीं खा सकती क्योंकि इसको इंजेक्शन लगा है। सॉरी इंजेक्शन ना लगा होता तो सोच सकती थी। सो गाइस हम लोग आए 12 बजे इसको इंजेक्शन लगवा के, और अभी मेरे बेटू का तबीयत बिल्कुल खराब हो चुका है, ये बिल्कुल भी नहीं रह रहा है बिस्तर में, इसको गोदी चाहिए। और यहाँ पे हम टच भी नहीं कर सकते, टच करने से करके आपको एग्जाम्पल दो क्या? नहीं 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 मत रुलाओ, नहीं रुलाती। प्रेयर करो भाई ये जल्दी ठीक हो जाए, मैं ज्यादा दिन तक ऐसे इसको नहीं देख सकती, बहुत तकलीफ होता है जब इसको कोई प्रॉब्लम होता है, बहुत झेल चुके हैं हम लोग इसके पैदा होते ही।